हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पीकेरा मैथ्स में। तो आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 7 लेकर आए हैं आप लोग के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। तो बिना समय गवाए हुए जो टाइम एंड वर्क का जो पार्ट 7 है उसके क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36, 54 और 72 दिनों में कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले ए जबकि 12 दिन पहले बी बाहर हो गया। बताएं कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। चलिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कि तीन व्यक्ति है ए बी सी। पहला जो है 36 दिनों में, दूसरा जो है 54 दिनों में, और तीसरा जो है 72 दिनों में काम कर मतलब कर लेता है अकेले के लिए, ठीक है। लेकिन तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। ए जो है 8 दिन पहले काम को छोड़ देता है, बी जो है 12 दिन पहले काम को छोड़ देता है, लेकिन सी जो है पूरा काम को ख़त्म करता है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि काम कितने दिनों में ख़त्म होता है। चलिए, हम मान लेते हैं कि काम जो है ना एक्स दिनों में ख़त्म हुआ होगा, ठीक है। तो एक्स दिनों में ख़त्म हुआ होगा और ए जो है उस काम को 36 दिनों में करता है, ठीक है। तो 36 दिनों में काम करता है और टोटल काम हम मान लेते हैं कि एक दिनों में ख़त्म हुआ होगा, ठीक है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि ए जो है ना 8 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। वो काम करता तो है 36 दिनों में, लेकिन वो टोटल काम 36 दिनों में करता है और काम ख़त्म हुआ है एक दिनों में, ठीक है। चूँकि तीनों मिलकर कार्य किया है, लेकिन वह काम ख़त्म होने से 8 दिन पहले ही काम को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब बी का बात करें तो बी जो है टोटल काम को 54 दिनों में करता है, ठीक है। लेकिन वो काम ख़त्म हुआ एक्स दिनों में, लेकिन वो 12 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। मतलब एक्स में से कितना घटाएंगे, 12 घटाएंगे। और सी जो है उस काम को 72 दिनों में करता है, ठीक है। और 72 दिनों में काम करता है, लेकिन ये काम छोड़ा नहीं, ये काम को कंप्लीट किया और काम जो क्या हो गया, पूरा हो गया। चलिए, तो 36, 54 और 72 का जब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो ये 216 होगा। और जब 216 में हम 36 से भाग करेंगे, ठीक है, तो ये 6 होगा। और 6 में x माइनस 8 से गुना करेंगे तो 6 में x से गुना करेंगे, 6x माइनस 6 में 8 से गुना करेंगे 48 हो जाएगा। प्लस हम 216 में, ठीक है, 54 से गुना करेंगे तो ये 4 होगा। और 4 में x से गुना करेंगे क्या होगा, 4x माइनस 4 में जैसे ही हम 12 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48 होगा, ठीक है। प्लस 216 में अगर हम 72 से भाग करेंगे तो 3 होगा, और 3 में x से गुना करेंगे तो 3x इक्वल टू क्या होगा, 1। चलिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 6x और 4x, 10x, 10 और 3 13x, ठीक है, 13x। और ये जो है 48 और 48 जोड़ेंगे तो माइनस में कितना हो गया, 96 हो गया। बराबर 216 इधर गुना में आ जाएगा तो 216। चलिए, अगर देखा जाए 13x है ना, ये जो माइनस में 96 है वो आर एच एस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे। 6, 6, 12 के 2 हासिल 1, 9, 1, 10 और 1, 11 के 1 हासिल 1, 2 और 1, 3, ठीक है। अब इसको 13 से काटेंगे तो 13 दुना 26, ठीक है। अब 5 बचेगा, ठीक है, और ऊपर से 2 उतरेगा, नहीं 13 चौका 52। मतलब ये है कि टोटल काम जो है वो कितने दिन में ख़त्म हो रहा है, तो टोटल काम जो है 24 दिनों में ख़त्म हो रहा है। चलिए, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे रेशियो मेथड से, ये हमारा बेसिक मेथड था, ठीक है, अब रेशियो मेथड से देख लेते हैं। जैसे ए बी और सी है, ठीक है, ए बी सी जो है वो कितने कितने दिनों में काम करता है, तो ए जो है 36 दिनों में काम करता है, ठीक है, बी जो है 54 दिनों में कार्य करता है, और सी जो है 72 दिनों में कार्य करता है, ठीक है। अब इसका हमको इफिशियंसी निकालना है, ठीक है। तो इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबका एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क भी होता है, ठीक है। तो 36, 54 और 72 का जो हमारा एलसीएम होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 216 होगा, ठीक है। यहाँ भी हम 216 एलसीएम निकाल चुके थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 216 में 36 से भाग देंगे तो कितना होगा, 6 होगा। रेशियो 216 में 54 से भाग देंगे कितना होगा, 4 होगा। रेशियो 216 में 72 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 होगा। चलिए, लेकिन कहा क्या गया इस क्वेश्चन में
कि ए जो है 8 दिन पहले काम को छोड़ देता है और बी जो है 12 दिन पहले काम को छोड़ देता है। लेकिन यहाँ जब भी हम भाग करेंगे तो ये तीनों से भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए जो है 8 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है, बी जो है 12 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो हम क्या करेंगे, पूरा काम एक साथ, क्योंकि तीनों को एक साथ हम तीनों से भाग देंगे, ठीक है, तो सबको एक साथ काम कराएंगे, इसलिए सबका काम सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये 8 दिन कम काम किया है तो इससे हम 8 दिन और काम करा लेते हैं, ठीक है। तो ए जो है 8 दिन कम काम किया तो इससे हम 8 दिन काम और करा लिए, और ये अपना क्षमता से काम करेगा, और ए का क्षमता कितना है, 6 है, तो 6 अठे कितना होगा, 48, ठीक है। बी का हम बात करें तो बी जो है वो 12 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो बी से हम क्या कर ले रहे हैं, 12 दिन और काम करा ले रहे हैं, ठीक है। तो बी से 12 दिन और काम करा लेंगे तो 12 दिन काम करेगा, लेकिन इसका क्षमता कितना है, तो इसका क्षमता 4 है, तो 12 चौक 48, ठीक है। सी तो टोटल काम को करता है, मतलब ये है कि इसको छोड़ने के बाद, ठीक है, जब ये दोनों काम नहीं कर रहा था उस टाइम तक 216 काम था, ठीक है, लेकिन काम जब तक कंप्लीट होगा, टोटल काम कंप्लीट होगा, तीनों मिलके काम करेगा, तो 216 और 48 और 48 सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और सबको जब जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 312 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जोड़ चुके हैं ना, 216 और 96 को जोड़े थे, कितना आया था, 312। अब जो है 312 में क्या करेंगे, क्योंकि तीनों मिल के काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा ये बोला जा रहा है, तो तीनों से भाग दे देंगे, ठीक है, ए का क्षमता से भी, बी का क्षमता से भी, और सी के क्षमता से भी, तो 6, 4, 10 और 3, 13, ठीक है। अब 13 से इसको काटेंगे, 13 दुना 26, 13 चौका 52, आंसर कितना आ गया, 24 दिन में काम को क्या होगा, ख़त्म किया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में करते हैं, ठीक है, सभी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु 3 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चले जाता है, ठीक है, कार्य यानी कि कुल जो है कार्य कितना दिनों में समाप्त होगा। देखिए यहाँ पे ए बी सी है, इससे पहले हम दो मेथड से आपको बताए थे, ठीक है, एक बेसिक मेथड है, दूसरा रेशियो मेथड है, तो अब दोनों मेथड से कर सकते हैं, चूँकि इस बार हम रेशियो मेथड से बताएंगे, है ना। बेसिक मेथड बहुत ही सिंपल होता है, रेशियो मेथड भी उससे ज़्यादा सिंपल होता है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही कम होता है, ठीक है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो कहा क्या कि तीनों जो है ना 10, 15 और 20 दिनों में काम को करते हैं, ठीक है, ये ए है, ठीक है, बी है और सी है, ये कितने दिनों में काम करते हैं, तो काम जो होता है 10, 15 और 20 दिनों में होता है, ठीक है, ये 10 दिनों में काम को करते हैं, ये 15 दिनों में काम को करते हैं, और ये 20 दिनों में काम को करते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि समय जो है, ए का समय है 10, बी का समय है 15 और सी का समय है 20। चलिए अब क्षमता का बात करें, ठीक है, तो क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले सबका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 10, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 60 होगा, और LCM ही क्या होता है, टोटल वर्क होता है, ठीक है। यहाँ पर हम देख ले LCM, ठीक है, ये तीनों का जो LCM होगा 10, 15 और 20 का, वो क्या होगा, 60 होगा। अब हम क्या करेंगे क्षमता निकालने के लिए, ये LCM जो 60 दिख रहा है वो 60 से 10 में भाग देंगे तो ये का क्षमता निकलेगा, ठीक है, तो 6 आएगा रेशियो, ठीक है। अब 60 में हम 15 से भाग देंगे तो 4 आएगा, जो कि बी का क्षमता निकला, ठीक है, और सी का जो टाइम है वो 20 है, जिसमें 60 से हम 60 में हम भाग देंगे तो 20 60 यानी कि 3 आ गया, ठीक है। अब ए का क्षमता 60 है, बी का क्षमता 4 है, सॉरी ए का क्षमता 6 है, बी का क्षमता 4 है, और सी का क्षमता क्या है, 3 है। चलिए, तो क्वेश्चन कहा गया कि 3 दिन बाद जो है ना, यानी कि सब मिलकर कार्य आरंभ किया, ए बी और सी तीनों मिलकर काम तो प्रारंभ किया, लेकिन 3 दिन बाद जो है वो एक काम छोड़कर चला जाता है, मतलब ए कितना दिन काम किया, मात्र 3 दिन काम किया, लेकिन बाकी सब जो है बी और सी टोटल काम को कंप्लीट किया। तो चूंकि ये 3 दिन ही काम करता है, इसलिए इससे हम 3 दिन का ही काम करवाते हैं, ठीक है। तो ए जो है 3 दिनों में कितना काम करेगा, तो ए 3 दिनों में, चूंकि 3 दिनों में काम करेगा 3 दिन, लेकिन अपना क्षमता कितना से, 6 से, तो 6 में 3 से गुना करें कितना होगा, 18। मतलब ये जो है इसका काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, चूंकि ए 3 दिन ही काम किया था, 60 में से क्या करेंगे, 18 घटा लेंगे, 60 में से जैसे ही 18 घटाएंगे, ठीक है, तो यह आ गया 42, मतलब 42 काम अब बचा हुआ है, ठीक है। और 42 काम को करेगा कौन, तो बी और सी करेगा, क्योंकि ए अपना 3 दिन काम करके तो चला गया, तो बी और सी से अब काम करवाते हैं, ठीक है। टोटल काम जो है 42 है, ठीक है,
और बी और सी दोनों मिल के करेगा तो बी और सी दोनों अपना अपना क्षमता से काम करेगा, ठीक है। चार और तीन क्षमता है और चार और तीन को जोड़ें कितना होगा, सात होगा। सात से जैसे ही 42 में भाग दें कितना होगा, छः, ठीक है। यानी क्या है, ये छः दिन में काम क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी कोई कार्य अलग अलग क्रम से 20 दिन और 15 दिनों में करते हैं। इन्होंने 6 दिन तक एक साथ काम किया, ठीक है। इसके बाद बी की जगह सी आ गया। यदि कार्य अगले 4 दिनों में समाप्त हो गया तो बताएं सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चूंकि इससे पहले हम रेशियो मेथड से बताए थे तो एक बेसिक मेथड ही बता देते हैं, ठीक है, ताकि कॉम्बिनेशन बना रहे और आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। चलिए अगर देखा जाए तो ए और बी 20 दिन और 15 दिनों में काम को करते हैं, ठीक है। जैसे ए और बी, ए जो है किसी काम को 20 दिनों में करता है, ठीक है, और बी जो है किसी काम को 15 दिनों में करता है, ठीक है। अब कहा गया कि इन्होंने 6 दिन तक साथ काम किया, ठीक है। 6 दिन ए भी काम करता है, 6 दिन बी भी काम करता है, ठीक है। तो 6 दिन इससे भी हम काम करवा लिए, 6 दिन इससे भी काम करवा लिए, ठीक है, ध्यान से देखना है। अगला बार क्या कहा कि बी की जगह 6 दिन बाद बी की जगह सी आ गया, मतलब अब जो है ना बी की जगह कौन आ गया, सी आ गया। बात को ध्यान से समझेंगे, और बी की जगह सी आ गया, सी काम को कितने दिनों में करता है ये हमें पता नहीं है, लेकिन काम खत्म हुआ कितने दिनों में, 4 दिनों में। अच्छा, काम 4 दिनों में ख़त्म हुआ तो सी तो बाद में आया, ए और बी दोनों मिलकर 6-6 दिन कार्य किया, तो 6 दिन काम तो बी के साथ भी ए किया, और काम अगर 4 दिनों में ख़त्म होता है तो ए जो है सी के साथ भी काम किया कितना दिन, 4 दिन। चलिए ठीक है, और ये काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब ध्यान से हमको देखना है, ठीक है, 6-4 10 होता है, 10/20 प्लस, ठीक है, ये 6/15, ठीक है, प्लस 4/x बराबर कितना लिखेंगे, 1। अब सबसे पहले जो कटने वाले को काटते हैं, ठीक है, 10 × 20 ये कटेगा, 3 × 6 3 5 15, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम जो भी LHS में है बिना x वाला उसको हम RHS में भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 4/x इक्वल टू, पहले से यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये 1/2 है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1/2, ठीक है। यहाँ प्लस में है 2/5, ये RHS में आएगा तो ये भी माइनस में होगा, 2/5, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, 4/x बराबर, अब सबका LCM देखेंगे तो इसके बटा में कुछ होना तो 1 है, ठीक है, 1, 2 और 5 का LCM कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि इसके हर में कुछ नहीं है, ठीक है, तो LCM से डायरेक्टली गुना कर देंगे, 10 से कम कितना होगा, 10 होगा, माइनस 10 में 2 से भाग करेंगे 5 होगा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, माइनस 10 में 5 से भाग करेंगे तो 2 होगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे 2 × 4 होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, 4/x इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस में 5 है, माइनस में 4 है, तो माइनस में 5 × 4 9 हो जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे कितना होगा, 1 होगा, और बटा में कितना है, 10 है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो x में 1 से गुना होगा तो x होगा, ठीक है, और 4 में 10 से गुना होगा क्या होगा, 40 होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो है 40 दिनों में काम जो है समाप्त कर सकता है, कौन, सी। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी अकेले अकेले कार्य को क्रमशः 32, 48 और 64 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, तीनों मिलकर कार्य तो आरंभ करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए कार्य करना छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी कार्य करना छोड़ देता है, सी अंत तक कार्य करता है, बताइए पूर्ण कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, यहाँ पे समझना है, ए है, बी है, और कौन है, सी है, ठीक है, और ए बी सी जो है उसको टाइम कितना लगता है, तो ए को टाइम लगता है 32 दिन, ठीक है, बी को लगता है 48, ठीक है, और सी को लगता है उस काम को कंप्लीट करने में 64 दिन, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है, और क्षमता निकालने के लिए हम 32, 48 और 64 का क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। तो 32, 48 और 64 का जो LCM है वो कितना होगा, 192 होगा, ठीक है, और 192 यानी कि इसका LCM हो गया 192, ठीक है,
एलसीएम इसका निकालने पर आता है 192, और 192 में जैसे ही हम 32 से भाग देंगे, ठीक है, चूँकि क्षमता निकालना है तो कितना आएगा 6 आ जाएगा रेशियो। अब 192 में हम 48 से भाग देंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है, रेशियो। और 192 में हम 64 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। चलिए अब फिर क्या कहा, ए जो है ना वो काम 4 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, ठीक है, 4 दिन बाद जो है ए काम को छोड़ देता है। टोटल काम कितना है, तो टोटल काम 192 है, लेकिन ए क्या किया, 4 दिन तक तो कार्य किया और उसके बाद कार्य को छोड़ दिया। मतलब ये है कि ए जो है 4 दिन तक कार्य किया और अपना क्षमता कितना से 6 से, यानी कि 24 काम तो ये ख़त्म कर चुका है। लेकिन फिर कहा गया कि बी जो है ना इसके 2 दिन बाद काम को छोड़ देता है। बी जो है इसके 2 दिन बाद, मतलब क्या है, ए काम छोड़ता है उसके 2 दिन बाद, ठीक है। तो अगर बी कितना काम किया ये निकालना हो तो बी जो है 4 दिन काम तो ए किया, उसके 2 दिन बाद बी छोड़ता है, मतलब बी कितना दिन काम किया, तो 6 दिन काम किया, अपना क्षमता कितना से 4 से, तो 6 चौक 24, ठीक है। अब यहाँ देखिए 24 काम ए ख़त्म कर चुका है, 24 काम बी ख़त्म कर चुका है, ठीक है, मतलब ये कि टोटल 48 काम जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और 192 टोटल काम है, टोटल काम जो है 192 है, जिसमें से ए और बी मिलकर 48 काम तो ख़त्म कर दिया। मतलब ये है कि 192 में से हम 48 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। जैसे ही घटाएंगे 192 में से 48 को, तो 12 में से 8 घटेगा 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर 8 में से 4 घटेगा कितना होगा 4 होगा, बटा में एक घटेगा नहीं, एक बचेगा, ठीक है। अब ये जो 144 काम है वो किसके लिए बचा हुआ है, सी के लिए बचा हुआ है, क्योंकि ए जो है 4 दिन तक काम किया, बी जो है 6 दिन तक काम किया, तो बचा हुआ काम किसके लिए, सी के लिए। और सी जो है 144 काम को अपना क्षमता 3 उसका क्षमता है, तो अपने क्षमते से काम करता है। जैसे ही काटेंगे कितना आएगा, तो 3 चौका 12, ठीक है, 2 यानी कि 3 8 24, ठीक है। मतलब ये है कि टोटल काम जो है 48 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगला चैप्टर यानी कि कोई भी आगे का चैप्टर का आपको वीडियो अगर चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।